नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गुजरात में जो हाई कोर्ट है वहाँ पे भर्ती निकली हुई है असिस्टेंट के पोस्ट पे कुल 767 पदों के लिए। इसके बारे में आपको बताऊंगा कैरियर गाइडेंस के अंतर्गत। मेरा नाम है पीसी वर्मा और मैं आप इसको पूरी जानकारी आपको दूंगा कि क्या क्या करना है आपको और पूरी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले ये जो गुजरात हाईकोर्ट का साइट है वो नोट कर लीजिए, gujarathaikort.nic.in। इसमें आपको जाना है। इस साइट पर जाने के बाद आपको इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा जहां पर आपको आवेदन के लिए अप्लाई करना है। वहां पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, ये दूसरा लिंक जो है यहां पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ये आप देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपको स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें पूरा एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है कि क्या क्या करना है। आवेदन फॉर्म जमा होना प्रारंभ होगा 15 जून से और 14 जुलाई तक चलेगा ये, और जो टेस्ट है वो होगा संभावित तिथि 30/9/2018 को। रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप वो नवंबर दिसंबर में होगा, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा 2019 जनवरी फरवरी में होगा। और साथ ही इसमें जो एप्लीकेंट हैं उनको पे स्केल मिलेगा 19,900 से 63,200 तक। कुल जो पद हैं वो 767 है जो कि बटे हुए हैं जनरल एससी एसटी और एससी बीसी कैटेगरी के अंतर्गत। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। तो जो क्वालिफिकेशन है वो मंगा गया है बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से मंगा गया है। यदि दूसरे राज्य के निवासी हैं तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करेंगे। पूरे देश के लिए ओपनिंग है। साथ ही टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 5000 के डिस्पेशन के हिसाब से। तो कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए आपको हिंदी और इंग्लिश में, इसके साथ साथ गुजराती में, इंग्लिश और गुजराती में आना चाहिए जो स्पीड है वो। एज लिमिट जो है वो जनरल के लिए है 21 से 35 साल, और उसके अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को मिलेगा 5 साल का छूट। डिसेबिलिटी एबल लोगों को मिलेगा 10 साल का छूट। सर्विस मैन को एक्चुअल सर्विस में जोड़ा जाएगा प्लस 3 ईयर्स, और एम्प्लॉय जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें 5 वर्ष की अलग से छूट मिलेगी। तो ये है पूरी जानकारी इसकी। जो फीस जमा करना है वो है जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 600 फीस जमा करना पड़ेगा, बाकी लोगों को 300 रुपये का फीस जमा करना पड़ेगा, और ई पे से करना पड़ेगा। SBI ई पे के द्वारा पेमेंट होगा फीस का। इसके बाद जो इन कैश चालान कर सकते हैं, ऑफलाइन भी सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगा। जो स्क्रीम ऑफ एग्ज़ाम है वो सबसे पहले तो आपका ऑप्शनल पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें क्वालिफाई करने पर फिर रिटर्न के लिए क्वालिफाइड होंगे। निगेटिव मार्किंग भी है, 3 अगर एक सवाल गलत करते हैं आप 0.33 मार्क कटेंगे, 3 मार्क अगर 3 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो कुल 1 मार्क कट जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का पेपर है, ध्यान से बनाइएगा। इसमें साथ साथ दिया हुआ है जो सिलेबस है वह इंग्लिश है, गुजराती लैंग्वेज है, जनरल नॉलेज है, अर्थमेटिक है, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्पोर्ट्स, एनालिटिक रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। तो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं जिनमें इनसे संबंधित बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, उनका लाभ अवश्य उठाइए। अधिक से अधिक नंबर इसमें आप पा सकते हैं। हमारे चैनल पे 3000 वीडियो हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, जनरल नॉलेज के, अर्थमेटिक हैं, करंट अफेयर्स के हैं, ये सारे आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी, ये सवाल आपको मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल पे देखिएगा ज़रूर, वीडियोस हैं जिनको आपको देखना है और जिनसे आप ज्ञान ले सकते हैं। इसके अलावा जो OMR सीट को आपको फिलअप करना होगा, मेन एग्ज़ाम जो होगा उसमें 60 मार्क्स का होगा, 90 मिनट के पेपर होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे जिसमें आपको उत्तर लिखने होंगे, वो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ज़रूर हमारे चैनल पे वीडियो देखिए जो कि सभी सब्जेक्ट इन्हीं सब्जेक्ट के डले हुए हैं, इनसे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी पेपर सॉल्व करने में। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं बताऊँगा आपको कि जो सिलेक्शन होगा वह अलग अलग एग्जाम के चरणों के आधार पर होगा। सबसे पहले मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और उसके बाद प्रायोगिक पेपर लिया जाएगा, प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ही चयन होगा। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, जनवरी फरवरी 2019 तक चलेगी ये।
तो इसे ध्यान से दीजिए, साथ ही अपनी टाइपिंग इत्यादि को भी सुधार लीजिए, क्योंकि बहुत समय है। जनवरी फरवरी तक आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, तब आपके पास बहुत समय है अपने काम में सुधार करने का और साथ ही आपके प्रैक्टिस करने का। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है जो कल से प्रारंभ होगा। इसमें आपको आपका फ़ोटो लगेगा 5 सेंटीमीटर हाइट और 3.6 सेंटीमीटर विड्थ का, 15 KB का आपको फाइल बनाना है। साथ ही सिग्नेचर को भी आपको स्कैन करना है 2.5 हाइट और 7.5 सेंटीमीटर विड्थ का, और इसको आपको रखना है। जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको इसमें जमा करना होगा। इसके बाद जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सेव करेंगे और प्रिंट ले लेंगे, जो आपकी एप्लीकेशन का है, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि आप उसमें मिला लेंगे, सिग्नेचर और फ़ोटो सही है कि नहीं मिला लेंगे। ये सारी जानकारियाँ सबमिट करते हुए आप कन्फर्म क्लिक करेंगे और फिर आपको SMS आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही से सबमिट हो गया है। इसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद प्रिंट करके प्रिंट फी आप पे भी कर दीजिए फीस को, और सब कुछ करने के बाद आपको जानकारी पूरी मिल जाएगा कि आपका फीस जमा हो गया है और उसे प्रिंट करके रख देंगे। इसके बाद साथ ही बार बार आपको अप्लाई नहीं करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। एक बार ही अप्लाई करना है, सही सही आवेदन आपको भरना है ऑनलाइन सिस्टम में, और साथ में कुछ और इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एक अलग साइट पे जाना होगा। ये पहले वैकेंसी देख लीजिए कि ये पूरे गुजरात में अलग जगहों पे वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसी लगभग 38 जगहों पर फैली हुई है और कुल 767 पद हैं यहाँ पे। तो ये पूरे गुजरात प्रदेश के लिए है। आवेदनकर्ता किसी भी राज्य के हो सकते हैं, तो यदि दूसरे राज्य के हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में आवेदन करना होगा, और गुजरात राज्य के निवासियों के लिए कैटेगरी में आवेदन किया जा सकता है। जो ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके लिए जो साइट है वो hcogs.gov.nic.in है। वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो इस प्रकार से आपको पेज दिखाई देगा, और यहाँ पर से आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे। अभी ये अप्लाई खुला नहीं है पेज, जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पर आवेदन दिखने चालू हो जाएंगे। तो इस साइट को नोट कर लीजिए, hcogas.gov.nic.in। इस साइट पर आपको आवेदन करना है। ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के लिए साइट है जहाँ पर से आपको आवेदन करना है। तो आपसे अनुरोध है कि ज़रूर इस आवेदन प्रक्रिया में भाग लीजिए और अधिक से अधिक नंबर अर्जित करिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल पाएंगी। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं जो कि पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। जो शेड्यूल बना हुआ है इसका, उसके आधार पर आपका परीक्षा लिया जाएगा। 3 चरणों में परीक्षा होगा, आपको प्रायोगिक परीक्षा भी दिलाना है इसमें। तो साथ ही आप सबसे अनुरोध है कि आप हमें अपने सुझाव और मार्गदर्शन भी अवश्य प्रदान करें, जिससे हम आपके लिए और इसी प्रकार के वीडियो लाएं जो कि आपके लिए बहुत ही काम के हों, और इसके आधार पर आपके भविष्य के लिए भी हम आपका सहयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसे आप फिलअप अवश्य करिए, साथ ही भर्ती प्रक्रिया में भाग लीजिए और हमारे वीडियो भी देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आज के लिए इतने ही साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।